बताइए पापा, रूस से स्टार्ट करिए, रूस से जो बता रहे थे सब स्टार्ट करिए। आप ट्रेनिंग से बताइए और रूस वाले बता दीजिए। इस जहाज को MiG-21 जहाज बोलते हैं। हाँ, ये रूस से सप्लाई होने वाला। थोड़ा इस तरफ आ जाओ ना, तो फिर फोटो भी वीडियो भी ठीक है। बुआ आप भी इधर चले जाइए। अच्छा ठीक, तो वहाँ तो जाइए, थोड़ा ना वो क्लियर हो। हाँ ठीक है, आओ। हाँ शुरू करिए पापा, स्टार्टिंग से। हाँ सब आ रहे हैं। ये जहाज जो है MiG-21 जहाज है, ये रूस से सप्लाई होने वाला फर्स्ट जहाज। अच्छा, जहाज में 78 में हम ट्रेनिंग किए थे, इसको फाइटर जहाज बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो है आगे का भाग कॉकपिट बोलते हैं, उसमें पायलट बैठते हैं। अच्छा, दो पायलट था, को पायलट के साथ में। हाँ, यदि कभी कोई एक्सीडेंट होने की चांस रहता है या कहीं क्रैश होने की चांस रहता है। हाँ, तो कॉकपिट जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और वो पायलट जो है उसमें बैठ के सीट के साथ उसका इजेक्शन हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जो है पैराशूट ऊपर जो है ओपन होता है, उसी पैराशूट के सहारे जो है धीरे धीरे पायलट जो है नीचे आता है। अच्छा, और इसको अटैचमेंट भी बोल होता है, इसमें जो है रॉकेट लॉन्चर, यहाँ पर एक अटैचमेंट किया जाता है, उसमें रॉकेट जो है फिट किया जाता है। अच्छा, उससे रॉकेट से फायरिंग होती है, इससे इसमें 30 mm गन अंदर होता है। अच्छा, वो 30 mm गन से इससे फायरिंग की जाती है। अच्छा, ये फाइटर जहाज है, इसमें बम एंड ये अपना बम से सप्लाई, बम लोडिंग होता है, उससे होता है और गन से फायरिंग किया जाता है। ये हमारे देश का सबसे पहला और सक्सेसफुल जहाज रह चुका है, इसको MiG-21 कहते हैं। तो आपने कौन से साल में इसमें ट्रेनिंग की थी MiG-21 पे? 1978 में इसमें ट्रेनिंग किया था। अच्छा, ये रशियन जहाज है। हाँ, और सारे उसमें रशियन का ही, तो उसमें ब्रिटिश जहाज जो है उसको आइसोलेट वो हो रहा था और नया नया जो है अमेरिका जो है रशियन जहाज आया था MiG-21 सीरीज। अच्छा, ये फर्स्ट जहाज है इंडिया में सप्लाई होने वाला रशिया द्वारा। अच्छा, इसी हमारी ट्रेनिंग हुई थी 1978 में। अच्छा, हाँ ये सब है इस जहाज के बारे में। और कोई इसकी खासियत इस जहाज की? ये सुपरसोनिक जहाज है। हाँ, और इसके अंदर हर एक सिस्टम होता है। ठीक है, कॉकपिट हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, सारे ब्लैक बॉक्स में सब कुछ आ जाता है। इसमें अटैचमेंट लगे रहते हैं, उसमें रॉकेट लॉन्चर या बम फिट होता है, और इसको जो है जो दोनों सब साइड होता है, इसको विंग बोलते हैं। और ये साइड में विंग के जो लगते हैं फ्लैप लगे रहते हैं। अच्छा, इसको एलरॉन बोलते हैं। अच्छा, पीछे जो बनते हैं उसको रोटेवेटर जो पीछे वाला होता है, कौन सा वाला पार्ट जिसमें C-1552 लिखा हुआ है, उसके पीछे जो है रोटेट बोलते हैं। ठीक है, इससे जो है ये जो है इसका रिवॉल्विंग होता है। हाँ, अब इससे जो पिचिंग एंड अचीवमेंट होता है, ऊपर नीचे मूवमेंट इसी विंग द्वारा ही होता है। हाँ, और रोलिंग मूवमेंट उससे होता है। अच्छा, यहाँ से जो है। अच्छा, तो आपकी मतलब पापा ट्रेनिंग इसी मतलब प्लेन पे हुई थी? हाँ, इसी जहाज में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। MiG-21 में। हाँ, इसी में हमारी ट्रेनिंग। तो ये आजकल मतलब एयरफोर्स में है या फिर इसको निकाल दिया गया? एयरफोर्स से अभी निकल गया है। क्यों, इसका क्या मतलब रीजन है निकालने का? इसमें काफी दिन होने के बाद इसका बहुत डार्क टाइम हो गया है, इसलिए इसकी जगह दूसरे सीरीज आ गए हैं। MiG-21 की जगह 23, 29 बहुत सारे अलग सीरीज आ गए हैं। राफेल ये सब भी आ रहे हैं अभी। राफेल आ गए, इसलिए जो है इसको निकाल दिया गया है। अब इसके बाद राफेल आ गया है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है आप। और ये देखिए गाइस, मेरे पापा बताते हुए MiG-21 के बारे में। पापा ने इस पे, जैसे पापा ने बताया 1978 ना पापा, 78 में। हाँ, 78 में इसमें ट्रेनिंग की थी और तभी से ये उस समय हमारे एयरफोर्स में था, अभी ये हट गया है। और अभी हम लोग जनेश्वर मिश्रा पार्क में हैं लखनऊ में, और ये जो MiG-21 है एक तरह से लगाया हुआ है ताकि यहाँ पे लोग आएँ और इसको देख सकें कि हमारे एयरफोर्स को इतने साल तक इसने सेवाएं दी हैं अपनी, और पापा ने इतना इस पे काम किया है हमारे, और ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है पापा के लिए। और पापा तो बहुत प्राउड करते हैं इधर आके देखते हुए। तो और कोई भी आपको जानकारी चाहिए गाइस,
तो आप कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं एयरफोर्स के बारे में, आपको ज्वाइन करना है एयरफोर्स या फिर एयरफोर्स से रिलेटेड कोई और आपको इन्फॉर्मेशन है चाहिए तो आप कमेंट करिए और पापा गाइड करेंगे आप लोगों को। ओके गाइस, थैंक यू पापा, थैंक यू। कुछ कहना है? थैंक यू, सलूट।